शुरू करते हैं द रैट ट्रैप का थर्ड पार्ट, और इसमें हम जानेंगे क्या वो रैट ट्रैप सेलर अपनी जान बचा पाए जंगल से, या वो बाहर निकल पाए नहीं निकल पाए। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी, हार्ड रेगुलर थंपिंग, लगातार थंपिंग की ठोंकने की आवाज उसने लगातार उसने सुना कि कोई हथौड़े से कोई चीज ठोंक रहा है। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और इसमें मतलब कोई संदेह नहीं था कि यह क्या था, मतलब उसने उसने समझ लिया कि यह क्या था, किसी आदमी द्वारा लोहे को ठोकने की आवाज सुनाई दे रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया, मतलब वो जमीन से तुरंत उठ के खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, मतलब वो किसी आयरन मिल, किसी लोहे की मिल में वो हैमर लोहे के हथौड़े की चोट सुनाई दे रही थी। ही थॉट, उसने सोचा कि लोहे के हथौड़े की चोट है। देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, पास में कहीं लोग हैं, मतलब उसने जब रेगुलर आवाज सुनी वो पता उसे इस चीज का एहसास हुआ कि पास में कहीं लोग हैं। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी संपूर्ण ताकत इकट्ठा की, संपूर्ण ताकत में सारी ताकत बटोरी, गॉट अप खड़ा हो गया, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर्ड का मतलब वो लड़खड़ाता हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। यानी जो रैट ट्रैप सेलर था, जब वो जंगल में लेट गया तो उसने लगातार हथौड़े से किसी चीज के ठोकने की आवाज सुनी, और जब उसने आवाज सुनी तो वो आवाज की दिशा में चल पड़ा। क्लियर। फिर द रैमजोस आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, मतलब जो वो क्या था, वो रामजो की आयरन फैक्ट्री थी, रामजो का आयरन वर्क था जो कि अब बंद हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, इस बात को अब अधिक समय नहीं हुआ था। अ लार्ज प्लांट विच स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फोर्ज, एक बहुत बड़ा प्लांट था, बहुत बड़ा संयंत्र था जिसमें पिघलाने वाली भट्टियां थी। स्मेल्टर मतलब पिघलाने वाली भट्टियां, रोलिंग मिल मतलब लोहे को चपटा करने वाले रोलिंग मिल थी, और फोर्ज मतलब भट्टी थी जो लोहे को गर्म करती थी, जो जहां पिघलाया जाता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्ज एंड स्क्रोस स्लाइड डाउन द कैनाल, अब यहाँ पे इसके बताने का मतलब है कि उस मिल से बाहर बगल में एक कैनाल, एक नहर बहती थी, जिसमें गर्मियों के समय में, यानी जब नहर पिघली हुई रहती थी, पानी बहता हुआ रहता था, तो गर्मियों के दिन में पूरी भरी हुई बार्ज स्क्वाड जो नौकाएं होती है, बार्ज का मतलब हुआ छोटी छोटी जो नावें होती हैं जो नहर में चलती, उन नहरों को बार्ज कहते हैं, छोटी छोटी नौकाएं। और स्काउस, स्काउस का मतलब हुआ वे नावें जो अगल बगल में नहीं, बड़े बड़े पटरे को ठोककर एकदम से राफ्ट की तरह बना दिया जाता है, उस राफ्ट को स्काउस कहते हैं। छोटी छोटी नौकाएं, फुल भरी हुई छोटी छोटी नौकाएं, और बड़े बड़े राफ्ट जिसपे सामान लदकर आता था उस नहर के माध्यम से, विच लेड ए लार्ज इनलैंड लेक, वो नहर जो जाके आगे किसी झील से जुड़ जाती थी, इनलैंड लेक मतलब किसी पास की छोटी सी झील से जुड़ती थी। एंड इन द वाट विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, इन द विंटर टाइम सर्दियों के समय, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द ऑल कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम बिग चारकोल क्रेट्स, और ठंडियों के समय में यानी सर्दियों में जब नहर जम जाती थी, तब पास की सड़कें से जो कोयले की धूल से एकदम ढक जाती थी, जो कि चारकोल क्रेट होते थे जिसमें जो कोयला लाया जाता है, उन कोयले की क्रेट जाली पर से जो कोयले की धूल झड़ती थी उससे काली हो जाती थी। यानी राइटर कहने का मतलब ये है कि वो मिल बहुत पहले नहीं, वो मिल अभी जल्दी तक चल रही थी, और उसमें सामान आने का जो साधन था वो एक नहर थी, जो कि गर्मियों के समय में नहर से के माध्यम से जो बड़े बड़े राफ्ट होते थे, उन राफ्ट पे सामान लाद के उस नहर तक लाया जाता था, यानी कोयला वाला लाद के वहां तक, या कच्चा लोहा लाद के लाया जाता था, या फिर जब सर्दियों में नहर जम जाती थी, यानी नहर जब बर्फ बन जाती थी, तब सड़कों के माध्यम से वहां पर कोयला या कच्चा लोहा लाया जाता था। क्लियर। ड्यूरिंग वन ऑफ लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के ठीक पहले, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम में, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, मास्टर स्मिथ मतलब जो प्रमुख लोहार था, मास्टर स्मिथ मतलब प्रमुख लोहार, और उसका सहायक, हिज हेल्पर उसका सहायक, सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेसेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो अंधेरी भट्टी में, अंधेरे मतलब अंधेरे कमरे में भट्टी के सामने जो है कच्चे लोहे की, मतलब कच्चा लोहा उसमें भट्टी में डाल रखा था, उस कच्चे लोहे को, कच्चे लोहे के गर्म होने की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे उस मिल में। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको उन्होंने लोहे, जिसको उन्होंने आग में रख रखा था, मतलब बता रहा है यहाँ पे राइटर, कह रहा है कि उस मिल के अंदर एक अंधेरी कोठरी में एक भट्टी के सामने जो मास्टर स्मिथ था, यानी जो मुख्य लोहार था, और उसका हेल्पर उसका सहायक जो था, वो दोनों एक भट्टी के सामने बैठे हुए थे जिसमें कि उन्होंने कच्चा लोहा डाला था और लोहे की गर्म होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। टू बी रेडी
टू पुट ऑन द अनविल, अनविल का मतलब हुआ वो यंत्र, वो लोहे का टुकड़ा जिस पर लोहार अपने औजार को रख के ठोंकते हैं, पीटते हैं, उसको हम कहते हैं अनविल। तो उसको कहते हैं अनविल, अनविल का मतलब हुआ निहाई। तो वो लोहा वहां से निकाल कर वो निहाई पे लाने वाले थे। एवरी नाउ एंड देन, समय समय पर वन ऑफ देम, उनमें से एक गॉट अप खड़ा होता था टू स्टीर द ग्लोइंग मास, और जो है लोहे की भट्टी के पास जाकर उसे चलाता था, नहीं लोहे की भट्टी को हिलाता था आग तेज हो सके, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ के माध्यम से लोहे की भट्टी में जाके उसे हिलाता था, चलाता था, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, और कुछ क्षण बाद वो लौट आता था। मतलब बता रहे कि दोनों लोग जो बैठे थे तो बारी बारी से एक एक करके लोग, वो दोनों में से एक व्यक्ति उठता और जाता लोहे की भट्टी के पास, जो सरिया से यानी लोहे की रॉड से उस लोहे की भट्टी में हिला कर आता कि उसमें जो कार्बन करे राख जम गई हो कोयले पर, तो कोयले की राख झड़ जाए और आँच जो है तेज हो जाए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आके लौट जाता था। ड्रिपिंग विद परसीपायरेशन, अब परसीपायरेशन का मतलब हुआ कि स्वेट, पसीना, ड्रिपिंग विद परसीपायरेशन मतलब उनको लोगों का पसीना बह रहा था, स्वेट बह रहा था। दो एज वाज कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और मतलब जैसे कि वहां की परंपरा थी, वहां मेल की एक परंपरा, जो भट्टी पर जो लोग जाते थे उनकी जो ड्रेस थी, एक लंबी सी शर्ट जो कि नीचे तक जाती थी घुटनों के नीचे तक, और एक लकड़ी यानी काठ का जूता पहन के रखते थे जिससे कि वो काठ का जूता गर्म ना हो, पैर जले ना उनका। ऐसे कस्टम जो वहां का परंपरा थी उसके अनुसार उन्होंने अपने ड्रेसअप कर रखा था, अपने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन फोर्ज, और सारे समय उस फोर्ज में कुछ ना कुछ सुना जा सकता था, कई सारी आवाजें आती थी, कभी लोहे के पीटने की आवाज, कभी कुछ आवाज, कभी कुछ आवाज, लोहे की उस आयरन मिल में हर प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्रोंड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो बिग बेलोज मतलब वो जो धोंकनियां होती थी, बेलोज का मतलब वो धोंकनी, तो बड़ी बड़ी धोंकनियों के गुर्राने की आवाज, इन जो बड़ी बड़ी मिलों में होती है वो बैक पाइपर की तरह बड़ी सी धौंकनी होती है जिसको खींचने पे उसमें हवा भर जाती है, दबाने पे हवा उसमें से एक साथ एक बैक निकलती है जिसमें गुर्राने की आवाज आती है, तो बड़ी बड़ी धौंकनियों की गुर्राने की आवाज, और बर्निंग चारकोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयलों के तड़कने चटकने की आवाज आती थी। द फायर बॉय शोल्ड द चारकोल इन टू द मो ऑफ द फर्नेसेस, और जो फायर बॉय था नहीं, जो आग में कोयला डालने वाला जो लड़का होता था, फायर बॉय उसे कहते थे, फायर बॉय शोल्ड विल चारकोल, और शोल्ड मतलब बेलचा से उस चारकोल को भरता था और जो मुहाने से उसे अंदर डालता रहता था, विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, और जब वो डालता था तो कोयला जो है बहुत चटकने, क्लेटर मतलब चटकने की आवाज आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल शार्प नॉर्थ वाइंड विब्ड रेनिंग अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बाहर जो था वाटरफॉल रोर कर रहा था, मतलब बाहर जो है झरना एकदम गर्जन कर रहा था, और एक तीखी सी जो हवा थी उत्तर की तरफ से चलती हुई हवा उस झरने की जो पानी की बूंदों को लाकर बारिश की तरह वहां के जो छत थी, जो ईंटों की छत थी, उस छत के ऊपर गिरा रही थी। इट वॉज प्रॉबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दीज नॉइजेस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज, और इन शायद इन लोगों इन्हीं सब की आवाज के बीच में जो ब्लैक स्मिथ था, ये लोहार था, उसने नोटिस ही नहीं किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी है, ए मैन ओपन्ड हैड ओपन्ड द गेट, एक आदमी दरवाजा खोला और इंटर द फोर्ज, उस भट्टी में यानी उस मील के अंदर प्रवेश कर गया। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप द फर्नेसेज, और जब तक कि उसने, जब तक उसे नोटिस नहीं किया, जब तक कि वो जाकर उस फोर्ज यानी भट्टी के सामने खड़ा नहीं हो गया। सोरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर द पुअर बैगावान विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्ट टू द फोर्ज बाई द ग्लो एंड ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप थ्रू द सूटी पेंस एंड टू केम टू इन टू द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। निश्चित रूप से यह रात किसी भी बेहतर आश्रय के बिना गरीब आवारा लोगों के लिए, मतलब जो जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, जंगल में भटक जाते थे, तो ये जो जगह थी उन गरीब यानी पुअर वैगाबॉन्ड्स के लिए, जो घुमक्कड़ लोगों के लिए, जो इनके पास कोई घर नहीं होता था, उनके लिए बेटर शेल्टर थी, बहुत अच्छी शेल्टर थी, जो कि वहां पे अट्रैक्ट होके आते थे, किससे, फोर्ज बाई ग्लो एंड लाइट, उसकी फोर्ज मतलब वहां पे भट्टी पे जलने वाली आग की चमक से वो वहां पे अट्रैक्ट होके चले आते थे, जो कि स्केप थ्रू द सूटी पेंस, पेंस का मतलब बताया कि खिड़कियों का कांच होता है, तो सूटी पेंस मतलब खिड़कियों के कांच पे जो राख लग जाती थी, उन राख से बाहर जो आग का ग्लो जाता था, उस ग्लो से अट्रैक्ट होकर
वो अपने आप वो उसके अंदर आ जाते थे एंड टू केम इन टू द वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फायर, और आग के सामने खड़े होकर खुद को गर्म करते थे। क्योंकि मौसम जो था दिसंबर का महीना था, ठंडी का महीना था, स्वीडन में ठंडी भी कुछ ज्यादा पड़ती है तो दिसंबर महीने में ज्यादा ठंड हो जाती थी, तो अक्सर लोग वहां पे इस तरह से जो घुमक्कड़ लोग होते थे वो आ जाते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब हुआ कहीं पर बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले लोग को इंट्रूडर कहते हैं। तो ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, ब्लैक स्मिथ ने उसको जो लोहार ने मतलब ध्यान न देते हुए एक सरसरी सी निगाह डाल दी उसके ऊपर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, वो अपने तरह के दिखने लोगों की तरह दिख रहा था। अपने तरह मतलब उस तरह से जो घुमक्कड़ लोग होते थे जिनके पास घर नहीं होता था, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता, उसी तरह से वो रेड ट्रैप चलर भी दिखाई देता, वो अपनी तरह के लोगों की तरह दिखाई दे रहा था। विद ए लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी सी दाढ़ी, डर्टी रैग्ड मतलब फटे हुए पुराने फटे पुराने चीथड़े से गंदे से कपड़े पहने हुए, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक जो चूहे दानियों का एक गुच्छा था बंच था वो डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट उसके सीने पर एकदम झूल रहा था। तो क्या उस रेड ट्रैप चलर को वहां रुकने की जगह मिली कि उस लोहार ने उस रेड ट्रैप चलर को अपने जो है मिल से भगा दिया? क्या हुआ उस रेड ट्रैप सेलर के साथ, उसे पुलिस ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? क्या वो क्राफ्टर का पैसा उसने वापस किया कि वो अपने पास रखे रहा? ये तो आपको अगले पार्ट में जानने को मिलेगा। अगला पार्ट जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।